हेलो स्टूडेंट्स बेटा, आज इस टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ बनाना कैसे शुरू करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सेम टू सेम सभी जानते हैं प्रोसेस, जो 10th क्लास हम लोग सीखा था टेबल ड्रॉ करके, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। मान लेते हैं कि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू साइन एक्स का। अगर मुझे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगा सबसे पहले, ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पता होनी चाहिए, वैल्यूज क्या क्या होती हैं, तभी आप अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ, x एंड y, मान लेते हमने x की वैल्यू पहले जीरो रखी, तो हमें पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो साइन जीरो जीरो हो गया। फिर हमने मान लीजिए x की वैल्यू पाई बाय टू ली, तो साइन 91 होता है। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर हम पाई लेते हैं, साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। 3 पाई बाय टू लेंगे तो साइन 3 पाई बाय टू की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। इस तरीके से अगर हम साइन 2 पाई लेते हैं तो साइन 2 पाई की वैल्यू 1 आएगी, सॉरी साइन 2 पाई 0 होता है, आई एम सॉरी, साइन 2 पाई का मतलब आपको पता है ना, साइन 360 डिग्री हो गया। कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में सीखा भी था। इस तरीके से नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, अगर मान लीजिए आप माइनस पाई बाई टू लेते हो तो वैल्यू मिल जाएगी आपको -1, अगर आप वैल्यू माइनस पाई लोगे तो वैल्यू जीरो मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। अगर आप वैल्यू लेते हो -3 पाई बाई टू तो वैल्यू +1 हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप वैल्यू लेते हो 2 पाई माइनस में तो वैल्यू इन दैट केस ऑल्सो जीरो, ठीक है। तो इन पॉइंटों से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट हो, किसी भी तरीके से ले सकते हो, बस पॉइंट ऐसे लीजिएगा जो आपको इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू पता चल जाए, है ना। ऐसी वैल्यू मत लीजिएगा जिनकी वैल्यू ही आप कैलकुलेट ना कर पाओ, जैसे किसी बच्चे ने साइन 31 ले लिया, 79 ले लिया, ऐसी वैल्यू को मत लेना। ऐसी वैल्यू लेना जो इजीली टेबल से ड्रॉ हो जाए, ठीक है। तो अब देखो इन वैल्यूज के हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। हम देख रहे हैं कि हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो क्या क्या है, जीरो, पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय टू, है ना, 2 पाई। इधर की तरफ से x की वैल्यू ली हमने माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय टू और माइनस 2 पाई, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास आई है 0, 1 और -1, तो +1, 0 और माइनस, ठीक है बेटा। ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो देखो एक्स जीरो पर वाई जीरो है, तो पॉइंट ये हो गया। पाई बाय टू पर वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, पाई बाय टू के सामने 1 ये हो गया। ग्राफ हमें फ्री हैंड बनाना है इस तरीके से, फिर पाई पे जीरो हो गया, देखिए तो पाई के सामने एक जीरो पॉइंट ये आ गया, इसको मैच कर दिया हमने।
फिर 3π/2 पे माइनस वन आ गया, तो बेटा यहाँ आएगा पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से 2π पे फिर 0 हो गया, तो ये ठीक है। इसी वे में जब लेफ्ट साइड पे चलते हैं तो -π/2 के सामने -1, यहाँ आएगा पॉइंट, ठीक है। -π पे फिर 0 हो जाएगा, -3π/2 पे +1 है, ठीक है, और फिर -2π पे फिर 0 है। इस तरीके से ग्राफ आगे की तरफ एक्सटेंड भी हो सकता है, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, इनफिनिट तक इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू जितनी इंक्रीज करते चले जाओगे, y की वैल्यू भी उसी तरीके से उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रा होता चला जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू साइन x, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 आई है, ग्राफ 1 से ऊपर नहीं जा रहा, और इसी तरीके से ग्राफ 1 से नीचे भी नहीं जा रहा। तो 1 की ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 आ रही है, देखिए है ना, -1 से नीचे नहीं गया ग्राफ और +1 से ऊपर नहीं गया। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा साइन एक्स का फंक्शन होता है उसकी जो अपनी खुद की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना। साइन एक्स के फंक्शन का जो डोमेन है, साइन एक्स फंक्शन का जो डोमेन है यानी कि जो वाई है वो बिलोंग कहाँ कर रहा है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, जो रेंज है, सॉरी डोमेन गलत बोल गया मैं, रेंज, जो फंक्शन का रेंज आ रहा है, वाई की जो वैल्यू आ रही है वो -1 से +1 तक जा रही है। तो हमारे फंक्शन जो वाई इक्वल टू साइन एक्स का रेंज है वो -1 से +1 है, ठीक है। अब बात आती है भाई डोमेन क्या है, फिर हमारा डोमेन बताइए, डोमेन हम क्लियरली देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू तो इधर ली, इधर की तरफ भी जाएंगे तो हम इनफिनिट तक कुछ भी ले सकते हैं, इधर की तरफ चलेंगे तो हम इनफिनिट तक जा सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू तो है ना, समझ रहे हो, x की वैल्यू के लिए तो इंडिपेंडेंट है। तो हमारे फंक्शन का जो डोमेन आया वो आया r, डोमेन इज r, क्योंकि जैसे जैसे आप यहां पर x की वैल्यू बढ़ाओगे, x की वैल्यू मतलब रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं ना, x की वैल्यू रियल नंबर कुछ भी हो सकती है, इसलिए वो डोमेन r हो गई। लेकिन जो y की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आ रही है, इसलिए इसका जो रेंज है वो -1 से +1 होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो r होता है, और जो उसका रेंज होता है बेटा वो -1 से +1 एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू साइन एक्स का, उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट, अब हम चलते हैं सेकंड ग्राफ पे, ग्राफ नंबर 2 आएगा हमारा, ग्राफ आएगा y इक्वल टू कॉस एक्स का। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए, सेम टू सेम यही प्रोसेस है, इसका भी टेबल ड्रॉ करेंगे पहले। ये मैं टेबल ड्रॉ कर ली, एक्स वाई, ठीक है, वैल्यू याद रखनी है, एक्स कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, फिर 90 रखा, कॉस 90 की वैल्यू -1 होती है, सॉरी कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 0, ठीक है ना। फिर 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 होगी, 3π/2 फिर से 0 हो जाएगा, 2π ये बेटा +1 होती है। इसी तरीके से जब -π/2 रखोगे तो -π/2 पर वैल्यू आ जाएगी 0, -π रखोगे, पाई पे -1 है तो -π पे क्या आएगी, +1 आ जाएगी, नहीं -1 ही आएगी, -π पे -1 आएगी, -3π/2 पे भी cos 0 देता है वैल्यू, और बेटा -2π पे भी वैल्यू हमारी +1 ही आएगी, ठीक है ना। आपको एक बात ध्यान है ना, हमने कभी पढ़ा था कि कॉस के अंदर अगर हम -x भी लेते हैं तो वैल्यू कॉस एक्स ही होती है। इसका मतलब है कि जैसा ग्राफ कॉस एक्स का बनेगा वैसे ही माइनस की वैल्यू लेने से भी बनेगा, जो वैल्यू प्लस एक्स पे आ रही है वही वैल्यू माइनस एक्स पे भी आएंगी, है ना। तो चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वाई इक्वल टू कॉस एक्स का अब हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, जैसे पहले किया था सेम, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस 0, फ्री हैंड ग्राफ मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा सा एक्यूरेसी इतनी आएगी नहीं, 0, एक्स की वैल्यू आ गई π/2,
पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 -2π 1 माइनस। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं, जीरो पर वैल्यू 1 है तो जीरो पर वैल्यू यहाँ हो गई 1, फिर 90 पे जीरो है तो 90 पे यहाँ जीरो हो जाएगा, तो ये ऐसे मिल गया। पाई पे -1 आ रहा है तो -1 यहाँ है, -1। 3π/2 पे देखो फिर जीरो है तो यहाँ आएगा पॉइंट, 3π/2 पे जीरो, 2π पे फिर 1 आ जाता है तो +1 यहाँ मिल गया। ठीक है, अगर हमें वैल्यू और मिलती है आगे तो हम आगे भी और खराब बढ़ा देंगे फिर। पहले तो फिलहाल मैंने 2π तक लिया है पॉजिटिव, ऐसी -π/2 पे फिर जीरो, -π/2 पे फिर जीरो, -π पे -1 ही आ गया, -π पे -1 आ गया, 3π/2 माइनस पे जीरो है, -2π पे फिर से 1 आ गया, ये आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू कॉस एक्स का, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स। इस कॉस एक्स का जो ग्राफ है इसका भी जो अगर हमारा डोमेन होता है x की जो वैल्यूज हैं वो आ रहे हैं, और जो रेंज आ रही है ना देखो कॉस एक्स की, वो भी -1 से +1 के बीच में ही आ रही है। तो जो इस फंक्शन का रेंज है कॉस एक्स का, y जो है वो कितना है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसका मतलब है जो कॉस एक्स का रेंज है, कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से +1 होती है ना, cos x की वैल्यू -1 से +1 होती है, ध्यान रखना इस बात को। ये ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू cos x का, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, डोमेन रेंज का ख्याल रखना है। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ग्राफ बनाना है हमें। फिलहाल तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 10x का और cot x का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।